डूट सलूट, क्या हाल है मेरा भाई। वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंडर आर्म से बाल कैसे निकाले बिना कोई इंजरी के। अगर आप कोई टीनेजर हो या कोई फर्स्ट टाइमर हो जो अपने अंडर आर्म साफ कर रहे हो, या ऐसे अडल्ट जिसने पहले भी साफ किया था बट थोड़ा बहुत उसे कट या इंजरी आ गया था, मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल सा हैक बताऊंगा जो आपको हमेशा काम आएगा। मुझे आज तक काम आ रहा है, कभी भी मुझे निशान नहीं आया। तो इस वीडियो में आप ये सब आगे सीखेंगे। एंड अगर तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है विनीत गौर और मैं निकला यूट्यूब पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डूड आर्मी बनाने के लिए। और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो मेन हेल्थ, मेन ग्रूमिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज, टेक एंड एंटरटेनमेंट के थोड़ी बहुत वीडियोस भी रहते हैं सिर्फ यहां पे। तो मेरी फैमिली ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, लेट्स रोल द टाइटल। तो दोस्तों, इसे काटने से पहले आपको एक काम करना है कि आपको हल्का सा पानी, हल्का साबुन लेके मिला के इस एरिया को वॉश करना है, सो दैट यहाँ का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए जब हम कटिंग शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वॉश करने के बाद इस एरिया पे कपड़ा मार के जितना भी ये गीलापन है ना, इसे आप सुखा लो, निकाल लो कंप्लीटली। टॉवल से साफ करने के बाद आपको काम क्या करना है, मुश्किल है 30 सेकंड से 45 सेकंड आप वेट कीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए एक ट्रिमर। ठीक है, ट्रिमर से हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। ट्रिमर से कट करते वक्त ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी जो स्ट्रोक है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं मारना है, ऐसे ऐसे लेके जाना है। अगर ऐसे लेके जाओगे स्ट्रेट में ऊपर की तरफ तो यहां पे आपको डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो वो गलती मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके इसको अपर स्ट्रोक की तरफ मारते रहो या नीचे से लेके ऊपर तक, आराम आराम से करना, ज़्यादा जल्दी मत करना। आपको वीडियो में थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसे थोड़ा स्पीड लग रहा होगा, पर स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, सो दैट वहाँ पर रेड मार्क्स आपको ना आए। यूजली जब आप ब्लेड या ट्रिमर यूज़ करते हैं तो आपको हल्के हल्के रेड मार्क्स आने का चांसेस होता है। हमारा यहाँ कोशिश है जितना कम हो, ज़्यादा जोर से एंड फोर्सफुली करेंगे तो कट जाएगा एंड फिर वहाँ से आपको ब्लीड हो भी सकता है, वो मार्क भी रह जाएगा वहाँ पर। सेम मेथड अप्लाई करना है दोनों तरफ में। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, टीचर आप नीचे से स्ट्रोक मार रहे हो और अगर बहुत ज़रूरत पड़ा तो ही आप ऊपर की तरफ से भी स्ट्रोक मारना। बस शुरुआत के टाइम पे कोशिश करो जितना अच्छा अपने हैंड मूवमेंट को आप कर पाओ तो नीचे तरफ से उसको ऊपर की तरफ पुश करते रहना। एक बार कटिंग हो जाए तो हल्का पानी डाल के उसको दोनों साइड से पोंछ लीजिए। एंड ये हो गया, पानी, साबुन और एक ट्रिमर। भाई बस और कुछ नहीं चाहिए होता है अंडर आर्म साफ करने के लिए। यार हमने साबुन और पानी पहले क्यों लगाया, क्योंकि आपके अंडर आर्म, अगर आप बिगनर हो तो फर्स्ट टाइम आप जब कर रहे हो ना, तो इस एरिया को स्मूथ रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप जब ट्रिमर उस पर अप्लाई करेंगे ना तो वो वहाँ पे फंसे नहीं, अटके नहीं, आपको पेन ना हो या चोट ना लगे। मेन चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जब आप ट्रिमर का स्ट्रोक मार रहे हो, जो स्ट्रोक है वो नीचे से ऊपर स्ट्रेट जाना चाहिए या ऊपर से नीचे आना चाहिए। ठीक है, दो में से एक ही लेना, ऐसे नहीं ये भी कर रहे हो ये भी करो, एक ही स्ट्रोक रखो। ठीक है, और याद रखना ये वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे ये मारते हुए ऊपर लेके नहीं जाना है, आएगा तो उसको टच करते ही ऊपर आएगा। अगर ऐसे आ गया ना मेरे भाई, यहाँ पे ना आपको निशाना आ जाएगा, मतलब आपके अंडर आर्म वाले एरियाज में, तो ये गलती मत कीजिए। मैं ये फ्लिप का ट्रिमर यूज़ करता हूँ यार, मुझे बहुत बढ़िया पड़ा, अराउंड 750 टू 800 में है ये। अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लो, वैसे भी सेल पे चल रहा है। एंड दिस इज़ गुड यार, मैं इसको प्योरली सिर्फ अंडर आर्म के ट्रिमिंग के लिए रखता हूँ, परफेक्ट काम करता है। भाई पहली चीज़ समझ लो, अंडर आर्म साफ करना ज़रूरी है। देखो यार, जो लड़का अपना अंडर आर्म साफ नहीं करता है ना, पहली बात देख ले भाई, अनिल कपूर का टाइम चला गया है। ठीक है, बाल कलाकार का वो जो वक्त है कि पूरा जंगल होता था वो खत्म है। भाई अगर आपके अंडर आर्म्स में बाल ज़्यादा हैं तो यहाँ पे पसीना क्रिएट होगा, पसीना ओडर क्रिएट करेगा, ज़्यादा पसीना एक्सटेंसिव रहेगा उससे ब्लैकनेस होगी एंड आपको स्किन इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, पिंपल भी आपको वहाँ पर निकल आएंगे। तो ये ऐसी गलती क्यों करनी है। एक लड़की भी जब आपसे बात करती है ना, अगर आप कहीं ऐसे शर्टलेस वाले फॉर्मेट में हो तो वो ऑब्जर्व करती है, हाइजीन मैटर्स या आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का बहुत बड़ा पार्ट है हाइजीन। मैं इस चैनल में हमेशा आप लोगों से यही बात करता हूँ, अपने आप को पूरी कोशिश करो कि आपके यस्टरडे से ग्रूमिंग से आप थोड़ा बेटर हो आज के लिए। आपको दूसरों से कम्पीट नहीं करना है मेरे छोटे भाई, दूसरों से कम्पीट नहीं करना है, अपने आप से कम्पीट करना है। तो जितना हो सके उतना करो अपने आप को बेटर वर्जन लाने के लिए। जिम में जब तुम वर्कआउट कर रहे हो या तुमने बनियान पहनने का तुम्हारा बड़ा मन है और तुम्हें देख रहे हो तुम्हारे अंदर तुम्हारे ये बाल दिख रहे हैं, क्या तुम्हें लग रहा है बहुत अच्छा लगेगा जब तुम भाई तुम अपना बेंट ओवर रो मार रहे हो या तुम कुछ लैट पुल डाउन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि भाई बाल दिख रहे हैं लोगों को आसपास दिख रहा है भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो एडवाइजेबल है वहाँ की बाल अपने काटो। मैं अभी तुम्हारा स्टार्ट कर रहे हो ना, इसमें तुमको मैं ब्लेड नहीं बोल रहा हूँ,
मैं तुमको ट्रिम कर रहे हैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग। ये वीडियो है ही जो फर्स्ट टाइमर हमारे प्यारे टीनेजर्स हैं उनके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइमर नहीं हो तो भी करो, तो भी यार ट्रिमर इज एनी डे बेटर। ब्लेड करोगे यार बहुत एक रफ बाल भी पहली बात तो निकल आता है, कर सकते हो ब्लेड अनलेस तुम्हारा कोई शूट वूट हो रहा है, ठीक है, तुम किधर जा रहे हो जहाँ तुम्हारा एक्टिविटी है, तुम्हारे ऊपर ऐसा बॉडी फोकस होने वाला है तो समझ में आया तुमने ब्लेड मार के हटा दिया। जब नहीं होने वाला है, तुमको एक अच्छी डिसेंट लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो ट्रिम मारना उसको। वैसे भी तो ट्रिम में क्या तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पे इतना बाल कुछ, तो भाई क्या एक टेंशन ले रहा है। तो अगर तुमको मेरा ये वीडियो पसंद आया यार तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने बड़े भाई के साथ ऐसे कनेक्टेड रहना। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ आके मुझे डीएम कर देना फॉलो करके, मैं तुम्हें पक्का रिप्लाई करूंगा। अगर तो लेट हो गया तो थोड़ा माफ करना यार, काम बहुत रहता है तो थोड़ा मैं लेट हो जाता हूँ, पर 8 बजे के बाद मैं ऑनलाइन आता हूँ इंस्टाग्राम पे। आप मुझे मैसेज करते रहो, मैं आपसे कनेक्ट पक्का करूंगा, आपको जो भी हेल्प है हम बात करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। तब तक के लिए तुम जहां पर भी हो और सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों से प्यार करो। मैं मिलता हूं तुम लोग को बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे डूड आर्मी बाय।